अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शाहिदा परवीन हाज़िर हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे फ्रेंच फ्राइज। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं। उसका छिलका इस कटर से मैंने हटा दिया है। और इसके बाद मैंने इसे चाकू से फिंगर के साइज़ में इस तरह से काट लिया है। और ये तो चाकू से मैंने काटा है, चलिए दूसरे तरीके से आपको काटना मैं बता रही हूँ। तो मैंने बाकी के और जो आलू थे उसको मैंने इस कटर में काट लिया है। अगर आपके पास ये कटर नहीं है तो आप चाकू से भी इसे फिंगर के साइज़ में काट सकते हैं। और यहाँ पर देखिए हमारे सभी चिप्स कटर से कट गए हैं और मैंने इसे 4 से 5 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। और इसके बाद इसका सारा पानी मैंने इस टॉवल से ड्राई कर लिया है। और अब यहाँ पर मैंने इसमें कुछ मसाले ऐड किए हैं। तो यहाँ पर एक छोटा चम्मच भर के मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है और इसी के साथ आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड किया है और थोड़ा सा अजवाइन आधा छोटा चम्मच मैंने हाथों से क्रश करके इसमें डाला है। इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है, फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। और साथ ही में धनिया पत्ती मैंने इसमें ऐड की है और इसी के साथ थोड़ा सा नमक भी ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर इसके बाद मैंने 2.5 चम्मच भर के चावल का आटा इसमें ऐड किया है। तो आप इसकी जगह कॉर्न स्टार्च भी ऐड कर सकते हैं या फिर चावल का आटा भी, जो आपको ठीक लगे। और सभी चीज़ों को ऐड करने के बाद मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसकी कोटिंग कर दी है कि ये अच्छे से कोट हो जाए। और इसी के साथ यहाँ पर मैंने रिफाइंड रख दिया था कढ़ाई में गैस पे गर्म होने के लिए। तो रिफाइंड यहाँ पर अच्छे से हीट हो गया है। और नमक मैंने जैसे ही इसमें ऐड किया तुरंत ही, बस हम इसे ज़्यादा देर नहीं रखेंगे, इसे फौरन फ्राई करने लगेंगे वरना नमक से इसमें पानी रिलीज़ हो जाता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसको एक बैच इसमें डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, हम इसे हाफ हाफ सा तलेंगे और उसके बाद हम इसे ठंडा करके दोबारा से फ्राई करेंगे। तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। और आप इसमें अजवाइन की जगह हींग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने इसे थोड़ा सा ठंडा करके दोबारा से इसे तला है। तो ये 2 बार तलने से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। और फ्लेम को मैंने बिल्कुल हाई पे रखा है। तो यहाँ पर देखिए ये पहला बैच हमारा बन के तैयार हो गया है। और इसी तरह से सेम पहले वाले प्रोसेस की तरह हाफ तलने के बाद हम इसे दोबारा से तलेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये पहला बैच हमारा तैयार हो गया और हम इसे दोबारा भी ऐसे ही तलेंगे। तो ये फ्रेंच फ्राइज हमारे बन के फ्रेंड्स रेडी हो चुके हैं। शाम की चाय के साथ आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और शाम की चाय के साथ आपको बहुत मज़ा आएगा। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह एक और नई रेसिपी में जल्दी ही मिलूँगी। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।